हिंदूवादी आ रहे हैं, 2000 आ रहे हैं, हिंदूवादी सरकार है, 2000 दे रहे हैं। हिंदू आदमी टोटल वोट इसी का समर्थन करेगी योगी सरकार। लोग कह रहे हैं साहब ये लोग जिन्ना, शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान ये चुनाव के मुद्दे बना रहे हैं भाजपा के लोग। हाँ तो ये हकीकत है, हिंदू भाई के लिए कहाँ अखिलेश सरकार ने छोड़ा है। अखिलेश सरकार हम सब कब्रिस्तान सब पक्के बने, हिंदू हिंदू भाई के मरघट कोई पक्के बने कभी? कभी नहीं बने। तो जय बात पर भाई, यही मुद्दा तो योगी जी ने बनाया पक्के मरघट को शमशान। योगी जी की जब सरकार आई है तब उन्हें अब बनाई, तो 5 साल तो हो गया ना, 5 साल हो गया। अब की सरकार बनी, अब की बनाई, अब की क्यों नहीं बनाया? जो 5 साल गुजर गया, 5 साल गुजर गया, जो पुरानी छोड़ छाड़ रहा है वह पुरानी पूरी कतर है। तो क्या पूरी करत रहा है? पूरी कतर है जो जिनने इन लोगों ने बढ़ाओ और उन लोगों ने पूरा करो, इनने जो घाटा में चली गई सरकार। सरकार में भेदभाव हुआ, मुसलमान के लड़की के लिए 50,000, हिंदू की लड़की के लिए 20,000, ये कौन सा न्याय है? ये आंकड़े आपके पास हैं, सही सही है या झूठे झूठे हैं? क्या झूठे झूठे? ये 50,000 मिला और 20,000 मिला, अंतर हुआ था? शादी ब्याह में ऐसे ही हुआ है। अच्छा, अंतर इतना हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ है अंतर, भेदभाव रहा है उसमें, अखिलेश की सरकार में भेदभाव रहा है। लेकिन लेकिन जो है योगी की, योगी जी की सरकार में कोई भेदभाव नहीं रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि साहब वो मिश्रा जी के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी किसानों पे, बारे में तो जो है हम जानकारी नहीं दे रहे। अपनी मौत से आओ दूसरे को दोष दे। SIT ने जो रिपोर्ट दी थी वो गलत दी थी? हाँ गलत दी, रिपोर्ट गलत है। भजे भाई ड्राइवर गाड़ी लेके भजो, गाड़ी लड़क गई हो, खत्म हो गई। गलती तो ड्राइवर की थी, आपके ड्राइवर ने गलती हो गई है, तो क्या आपने ऐसा कर दिया? नहीं होती है, बताइए लॉन्ग रोड पे अगर गाड़ी चल रही है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो रहा है तो उसमें ड्राइवर की ही गलती होगी ना भाई, ड्राइवर की गलती है। दूसरी चीज ये है उन्होंने जानबूझ के तो चढ़ाई नहीं थी। ये जो कह रहे हैं कि साहब हिंदू खतरे में है, हिंदू किस बात के लिए खतरे में है? भाजपा वाले तो कहते हैं हिंदू खतरे में है। क्यों क्यों? जब सरकार योगी जी की आ रही है तो खतरे में क्यों है? नहीं अभी तक तो ये चला नहीं, अगर वो अखिलेश जी आ गए तो पाकिस्तान बन जाएगा। पाकिस्तान तो बन ही जाएगा, मोहम्मदी से निकलते थे डगर में लूट लिया जाता था। अगर दो रुपए होते वो भी लड़कियां जाती थी, मोहम्मदी पढ़ने नहीं जाती थी। कौन लूटता था? यही लोग मोहम्मदी के लोग थे, और कौन था? हाँ और क्या, जो मोहम्मदी के लोग लड़कियां यहाँ से बच्ची पढ़ने जाती थी, उधर से आती किसी के पास, मतलब कुछ किसी के पास कुछ, कोई हमको परेशानी नहीं। हाँ जैसे दिन में चाहे पैसे हमारे गांव के लूट लिए गए थे, यहाँ भी लूट, हाँ बैंक से पैसे निकाल के लाया लूट लेते। ये अखिलेश सरकार, क्या कह रहे हैं सरकार? रोड चलते रहा है, रोड कुंटल नोच ले रहा है, मोटरसाइकिल चलते चलते। ओ हेलमेट निकालिए आप जरा। अखिलेश सरकार, हम जैसे मोटरसाइकिल जा रहे हैं, लेडीज बैठी पीछे से मोटरसाइकिल लगाई दे, कुंडल नोच ले रहा है ऐसे करके। कई एक खासा हमारे यहाँ खुद है। अच्छा हाँ, अपने यहाँ के हैं मोहम्मद, चल के यहाँ तक पीछा किया, फिर लड़कों ने यहाँ बच्चियों से जरा कुछ बात करें। हाँ, बच्चियों का मुद्दा है। क्या बेटा क्या मुद्दा है ये? क्या जो बता रहे हैं कि औरतों को छीन लेते थे? गुंडागर्दी बहुत थी पहले। अच्छा, अब गुंडागर्दी नहीं होती है। लोग कह रहे हैं कि साहब बेटी बचाओ बेटी पटाओ का नारा भी लोग दे रहे हैं पढ़ाने की जगह पे। वो पहले वाले तो कहेंगे, लेकिन उनको सरकार ने जो इस सरकार ने जो किया है वो अच्छा किया है। बोले डर है इस बात का कि अगर फिर होगी सरकार आ गई फ्री होके फ्री होके बाबा जी का बुलडोजर तो दुबे जी के घर पे भी चला था। नहीं क्या चलेगा, जो गलत करेगा उसके घर पे कौन बचा है? बच्चे हैं जो भी गुंडा लोग बच्चे हैं उन पे भी चलेगा। कुछ नाम तो बताइए गुंडों का। नहीं बहुत है, नाम क्यों बताए? नाम नाम नहीं, जो भी बच्चे हैं उन पे भी चलेगा बुलडोजर। जो मतलब तो कौन भाजपा सरकार आने पर जो बच्चे हैं गुंडे वो भी जल जाएंगे। खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे किसी धर्म का हो, कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी हो। यार लोग कह रहे हैं साहब योगी की सरकार में सिर्फ ठाकुरों का वर्चस्व है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।
जो इस सरकार में सम्मान मिला है हिंदू को वो किसी को नहीं मिला। यानी मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट वाली बात है। हाँ।